हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। 4 और 5 हम लोग गोलियों पढ़ रहे हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। कहता है ए रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वर कंटेन्स 42,000 लीटर्स ऑफ वाटर। इफ द लेंथ ऑफ रिजर्वर इज 6 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3.5 मीटर, देन द डेप्थ ऑफ द रिजर्वर। कहने का मतलब है कि टोटल कॉन्टेंट्स 42,000 लीटर उसमें रहता है और लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर, हाइट निकालना है। डेप्थ का मतलब हाइट ही हुआ, ऊपर से देखोगे तो गहरा, नीचे से देखोगे खड़े होकर ऊंचा होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ये क्यूब हो गया, क्योंकि अलग अलग वॉल्यूम ऑफ क्यूब वर्ड हो गया, क्यूब नहीं क्यूब वर्ड, एल गुने डी गुने एच। एल हमें मालूम है, डी भी हमें मालूम है और इसे मालूम एच को इस तरह। लेकिन याद रखिए इसको लीटर को हम मीटर में जब बदलेंगे तो याद रहे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो 42 मीटर क्यूब क्या हो गया 42 पर मल्टीप्लाई में था 6, पॉइंट उड़ाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे कितने बार में कटेगा 76 बार में और 35 बार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। कहता है सरफेस एरिया ऑफ ए 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल क्यूब बी जो बी में एच क्यूब एच क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब होता है एल आपके सामने है 10 मल्टीप्लाई 4 जो 2 मल्टीप्लाई 3 जो 3 मल्टीप्लाई करती है 40 जो 12 जो जोड़ करके बाहर निकालते हैं 40, 70, 80, 80 बनाने के लिए लकड़ी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए अगर मेजरमेंट ये, ठीक है। देखते हैं एल 20 सेंटीमीटर दिया, बी 12 सेंटीमीटर और एच 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशन क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच 20, 12 एंड 10। जब 20, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 2400 सेंटीमीटर। अब यही एल थिकनेस 1 है तो 1 लेफ्ट राइट दोनों तरफ से वह लेंथ है तो इधर से भी 1 और इधर से भी 1, तो इनर डायमेंशन में वो 2 कम हो जाएगा बच्चों माइनस 2 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है, ये कम नहीं होगा 12 सेंटीमीटर होगा। पूछो क्यों नहीं कम होगा, इसलिए कम नहीं 12 सेंटीमीटर नहीं बच्चों, ये भी 2 कम होगा, घर से भी 2 कम होगा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ये नहीं, ये भी 2 कम हो जाएगा इधर से 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ इनर डायमेंशन फिर एल गुणे बी गुणे एच होगा 18 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1440 सेंटीमीटर। इसलिए वॉल्यूम ऑफ आउटर डायमेंशन में इनर डायमेंशन को घटा देंगे तो हमारा लकड़ी का वॉल्यूम बच जाएगा जो आएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। कहता है इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 72 मीटर
square and 60 centimeter square, respectively. Then the volume of the box, kya likha hai? Volume bata. Aur volume ka formula hota hai A gune B gune H. Dhyan rakhenge, theek hai na? Aur hamare samne diya hua hai LB is equal to 120 centimeter square. Uske baad BH भी दिया हुआ है 72 मीटर स्क्वायर. उसके बाद HL भी दिया हुआ है H मल्टीप्लाई है LH. एक ही बात है LH लिखिए या L HL वो दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है ना? यानी L स्क्वायर प्लस B L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर टू बराबर होगा आपको 120 मल्टीप्लाई इधर सेंटीमीटर में लिख देते हैं आपको समझ में आएगा 72 इधर भी सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है? अब इस पर से जब ये हटाएंगे रूट तो ये हो जाएगा एल बी एच. तो 2 हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करते हैं. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5184 5184 00 और सी देखिए 2 2 4 2 6 हो गया सी पे पावर 6. जब 5184 00 का रूट आप निकालेंगे तो आएगा बच्चों 720 और सेंटीमीटर पे 6 की जगह क्या आ जाएगा यहां सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3. आपका क्या निकल गया LBH निकल गया. LBH हमको चाहिए था यही नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 5 मीटर हाई 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. है ना? यानी कि वॉल्यूम कुछ है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बराबर